हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसके स्टडी मटेरियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें दो क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड लेक्चर ये है हमारा, और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। इसमें कंपोजिट फंक्शन होगा, ओके, और इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये दोनों टॉपिक्स आते हैं, तो इनको समझते हैं क्या होते हैं ये कंपोजिट फंक्शन, तो यानी कि संयुक्त फलन, इनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। डेफिनेशन की देखिए क्या होती है डेफिनेशन। इफ़ जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई आर ऑल्सो फंक्शंस ऑफ अदर वेरिएबल्स टी, तो यानी कि जेड आपका एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स और वाई जो है वो अलग से किसी नए वेरिएबल टी के फंक्शन है, दैट इज़ एक्स इक्वल टू फाई टी एंड वाई इक्वल टू साई टी। ये दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन वेरिएबल दोनों का सेम है टी। देन जेड इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी। डायग्राम के थ्रू इसको समझो, जेड हमारे पास है वेरिएबल एक्स और वाई का और एक्स और वाई वेरिएबल है टी के, तो डायरेक्टली हम इसमें जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है उसी तरह से जेड डायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया, टी का। और टी आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब जेड आपका सिंगल वेरिएबल टी का कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में इसमें एक्स और वाई भी आ रहे हैं, जेड डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि जब हम जेड को टी में लिखेंगे तो बीच में एक्स वाई भी आएंगे। सो जेड इज़ ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी, इस तरह से ये होता है। ऑल्सो वैन एक्स इक्वल टू फाई टी वन एंड टी टू एंड वाई साई ऑफ टी वन टी टू, यानी कि यदि आपके पास जो जेड है वो तो एक्स वाई का फंक्शन है लेकिन जो एक्स है वो टी वन और टी टू दो वेरिएबल का फंक्शन है, और इसी तरह से वाई है वो भी टी वन और टी टू दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, देन जेड इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टी वन एंड टी टू। यहाँ पर जो टी वन और टी टू हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ओके, लेकिन ये एक्स और वाई के साथ तो डिपेंडेंट हैं, रिलेटेड हैं इनसे। तो हम इसको यदि डायग्राम बना के देखें तो जैसे जेड तो है एक्स और वाई का, और एक्स अलग से टी वन टी टू का है और वाई अलग से टी वन टी टू का है, तो जेड डायरेक्टली किसका हो जाएगा, टी वन और टी टू का कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। सो कंपोजिट फंक्शन आपके इस तरह से होते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन आपके काम किस में आते हैं, जैसे अपन इनको अपन डिफरेंशिएट करना है कंपोजिट फंक्शंस को, तो कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ता है, ओके, श्रृंखला नियम जिसको आप बोलते हैं। ये आपने आई थिंक 11 ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन के जो चैप्टर है नॉर्मल उसमें भी ये होता है, क्योंकि वहाँ पे भी चेन रूल तो आपने पढ़ा होगा। सो चेन रूल वही है सेम, यहाँ पे बस पार्शियल हो जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, चेन रूल हमारा फर्स्ट इसमें है, इफ़ जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल टी। डायग्राम से यहाँ पे देखो, जेड तो एक्स का फंक्शन है और एक्स टी का है, तो हम कह सकते हैं कि जेड डायरेक्टली टी का कंपोजिट फंक्शन है। देन इसका अपन यदि डिफरेंशिएट करना चाहें तो देखो, डी जेड अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने डेल नहीं लगाया। डेल कब लगाते हैं, जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और पार्शियल कब लगाते हैं, जब आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो या दो से ज़्यादा हो। लेकिन आप देखो यहाँ पे जेड किसका फंक्शन है, ओनली टी का, तो टी तो सिंगल वेरिएबल है, अकेला है, इसलिए यहाँ पर हम पार्शियल नहीं लगाएंगे, ओनली डी जेड अपॉन डी टी। अब डी जेड अपॉन डी टी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जब हम जेड से टी पे जाएंगे तो बीच में कौन आएगा, एक्स। अब फिलहाल आप देखो जेड जो है वो एक्स का फंक्शन है और एक्स भी यहाँ पे अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर से हम यहाँ पे डेल नहीं लगाएंगे, डी लगाएंगे, तो आपका आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखने में डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी टी। तो यानी कि हम जब जेड का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो हम जेड का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स का टी के रेस्पेक्ट में। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। इसी तरह से सेकंड फार्मूला, इफ़ जेड इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ओके, ये देखो जेड तो है आपका एक्स और वाई का फंक्शन, वेयर एक्स इक्वल टू फाई टी एंड वाई इक्वल टू साई टी, और एक्स और वाई जो है वो टी के फंक्शन है। तो देखो जेड सिंगल वेरिएबल टी का हो गया, तो ये तो सिंगल है लेकिन ये बीच में जो है वो डबल है, यानी दो है। तो जब आप जेड का टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये अकेला सिंगल वेरिएबल टी है, इसका मतलब यहाँ पे तो आपका डी आएगा, यानी डी जेड अपॉन डी टी, डेल जेड अपॉन डेल टी नहीं आएगा। वो कब आता, जब यहाँ पे टी वन और टी टू दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते। तो हमारे पास यदि हम डी जेड अपॉन डी टी निकालना चाहें तो जेड से टी तक पहुँचने के लिए हमें एक्स और वाई से बीच में मिलना पड़ेगा, इनसे भी हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब यहाँ पे आपका डेल क्यों आएगा, क्योंकि एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिन पे जेड डिपेंड कर रहा है। सो पहले जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में,
फिर एक्स का टी के रेस्पेक्ट में। अब देखो जेड का जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तब तो आएगा डेल, क्योंकि एक्स और वाई दो हैं, लेकिन जब एक्स का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी आएगा, बिकॉज एक्स अकेला टी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये अकेला वेरिएबल है टी। टी वन और टी टू होते तो यहाँ पर भी डेल आ जाता। तो जब हम जेड का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू एक्स का टी के रेस्पेक्ट में प्लस जेड का वाई के रेस्पेक्ट में इंटू वाई का टी के रेस्पेक्ट में। सो बड़े आसान आसान फॉर्मूले हैं, ओके। और आपको अब याद आ गया होगा, ट्वेल्थ क्लास में भी ऐसे फॉर्मूले थे। अगला केस देखिए, यदि हमारा जेड जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जेड ऑफ जेड इक्वल टू जेड ऑफ एक्स, इसका मतलब भी वही है कि जेड एक्स का फंक्शन है, और एक्स यदि दो वेरिएबल आर और थीटा का फंक्शन हो, ठीक है। ये डायग्राम देखो, जेड तो एक्स का फंक्शन है और एक्स आर और थीटा का फंक्शन है, ओके। इन दोनों का फंक्शन वो हो गया। देन यदि हम जेड का, अब देखो जेड का आप डायरेक्टली, जेड डायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया, आर और थीटा का, ओके, बीच में एक्स है। तो जब आप जेड का आर के लिए करोगे तो यहाँ पे पार्शियल आएगा, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए हम आपके पास आर और थीटा। तो जेड का जब आप आर के लिए करोगे, यानी डेल जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू जेड का एक्स के सापेक्ष, फिर एक्स का आर के सापेक्ष, सो डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर। इसी तरह से जब जेड का थीटा के लिए करोगे, डेल जेड अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, ओके। ये थर्ड केस था। अगला केस देखिए, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कंपोजिट फंक्शन और ये चेन रूल जो है, इसमें अलग अलग तरह के केसेज हैं और सभी में अलग अलग फार्मूलाज हैं, लेकिन तरीका सबका सेम है। यानी जब हमारे पास वेरिएबल केवल एक होता है तो हम उसमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डी लगाते हैं, और जब वेरिएबल आपके दो या दो से ज़्यादा हो तो पार्शियल लगाते हैं। इफ़ जेड इक्वल टू जेड एक्स कॉमा वाई, ओके, यानी जेड तो आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, एंड एक्स आर और थीटा का फंक्शन है, और वाई जो है वो भी आर और थीटा का फंक्शन है। तो अब देखो जेड डायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया, आर और थीटा का, ओके। तो जेड का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आएगा, बिकॉज आर और थीटा दो वेरिएबल आ गए। तो जेड का आर के लिए करेंगे तो जेड का पहले एक्स के लिए इंटू एक्स का आर के लिए प्लस जेड का वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का आर के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से जेड का हम थीटा के लिए करेंगे तो जेड का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में प्लस जेड का वाई के रेस्पेक्ट में और वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जब हम डेल जेड अपॉन डेल आर निकालेंगे तो यहाँ पर हम थीटा को कॉन्स्टेंट मानेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे अपन आर को कांस्टेंट मानेंगे, बिकॉज आर और थीटा आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से एक्स और वाई जो हैं वो भी आपस में इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट केस देखिए, इफ़ जेड इक्वल टू जेड एक्स कॉमा वाई कॉमा टी। अब देखो तीन तीन वेरिएबल आ गए, जेड आपका फंक्शन है एक्स वाई और टी का, और एक्स फंक्शन है आर और थीटा का, वाई फंक्शन है आर और थीटा का, टी फंक्शन है आर और थीटा का। तो यहाँ पे तो तीन वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल आर और थीटा हैं, तो ये भी आसान है, इनसे घबराना नहीं है। जेड डायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया, आर और थीटा का। तो जब हम जेड का आर के लिए निकालेंगे तो हमें जेड का पहले तीनों एक्स वाई और टी के लिए निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे, डेल जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर। इसी तरह से प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी अपॉन डेल आर। इस पूरे केस में हमें थीटा को कॉन्स्टेंट मानना है। इसी तरह से डेल जेड अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल थीटा। सो क्लियर है आपके सभी फॉर्मूले, पांच फार्मूला मैंने यहाँ पे बताए हैं, तरीका आप अब समझ गए होंगे। आपको अब यहाँ पे कितने भी तीन वेरिएबल चार वेरिएबल कितने भी हम दे दें, उन सभी को आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। बड़ा ही आसान होता है ये कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल। क्वेश्चंस देखिए, इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक फंक्शन दे रखा है, यानी कि u किसका फंक्शन है, x और y का, वेयर x इक्वल टू e की पावर t इंटू कॉस t। तो बताओ x किसका फंक्शन हो गया, ओनली t का, यहाँ पे एक नया वेरिएबल हमें t दिख रहा है। इसी तरह से y इक्वल टू e की पावर t इंटू साइन t, तो y किसका फंक्शन हो गया, e की पावर सॉरी t का हो गया ये भी। तो x अकेला t का फंक्शन है, y अकेले t का फंक्शन है। देन प्रूव दैट डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू ये आएगी, ओके। तो कर लेंगे इसको भी हम, सिंस हमें दे रखा है एक्स यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ओके। यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर वन हमने मान ली क्वेश्चन में।
एक्स आपको ये दे रखा है ई की पावर टी कॉस टी इक्वेशन नंबर टू, एंड वाई हमें दे रखा है ई की पावर टी साइन टी इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, अब हमें क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी। अब देखो आप इसको यदि डायग्राम बनाओ आप अपनी कॉपी में रफ में, तो क्या आएगा, यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, और एक्स और वाई किसके हैं, टी के। तो यू किसका डायरेक्टली फंक्शन हो गया, टी का। तो टी तक पहुंचने के लिए हमें एक्स और वाई बीच में मिलेंगे, इसका मतलब एक्स और वाई का आप पहले से ही टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके रख लो, बिकॉज ये फॉर्मूले में काम आएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, डी एक्स अपॉन डी टी, ये आप निकाल सकते हो, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन होगा या पार्शियल नहीं होगा, क्योंकि एक्स ओनली टी का फंक्शन है। सो पहले हमने ई की पावर टी को एज इट इज रखा, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस ई की पावर टी साइन टी, प्लस कॉस को एज इट इज रखा ई की पावर टी का ई की पावर टी इक्वल टू ई रेस टू द पावर टी, हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपका आ गया कॉस टी माइनस टैन टी। इक्वेशन नंबर फोर हमने इसको नाम दे दिया। इसी तरह से डी वाई अपॉन डी टी भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने ई की पावर टी को एज इट इज रखा, साइन का कॉस हो गया, प्लस साइन एज इट इज रखा ई की पावर टी का ई की पावर टी, यहाँ से हमने ई की पावर टी कॉमन लिया और ये आ गया हमारे पास कॉस टी प्लस साइन टी, इक्वेशन नंबर फाइव। सो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, डी वाई अपॉन डी टी आ गया, हमें चाहिए डी यू अपॉन डी टी। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, डी यू अपॉन डी टी, वैसे फार्मूला क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, ये डी टी आएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी। ओके, माई मिस्टेक, आप इसको सही कर लेना। सिंस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ से निकालोगे, देखो यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई को कांस्टेंट मानते हुए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा टू इंटू एक्स। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आएगा, माइनस टू वाई, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें रख देंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स तो टू एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई है माइनस टू वाई, ये सारी वैल्यूज में पुट कर दो, देन पुटिंग वैल्यूज इंटू सिक्स, डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये हम रख दिया टू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, हमने वहाँ से रख दिया इक्वेशन नंबर फोर से। इसी तरह से प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ये डी वाई अपॉन डी टी है, इसकी वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन नंबर फाइव से। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है इसके बाद तो कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाता है डी यू अपॉन डी टी, जो भी हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ जाता है। तो आपने देखा इसमें चेन रूल लग गया, बिकॉज कंपोजिट फंक्शन हमें दिए हुए थे। ओके, तो चेन रूल लगाना बहुत आसान है, क्वेश्चन आप लोग इसमें देख ही सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इसकी पहले आप डेफिनेशन समझो। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स वाई इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज सच दैट, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है, और किस प्रकार है, इज सच दैट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कैन नॉट बी रिटन क्लियरली, देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है और उस एफ एक्स वाई को आप जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसमें यदि आप एक्स को वाई के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हो अच्छे से और वाई को एक्स के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हो अच्छे से लिखने का मतलब क्या है कि एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई कम्प्लीटली हो, ऐसा या आप नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, यानी अस्पष्ट फलन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, यदि हम उनको नहीं लिख पा रहे, जैसे कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है, तो आपने देखा इसमें एक तरफ वाई और अगली तरफ पूरा एक्स वाला फंक्शन है, तो ये तो एक क्लियर फंक्शन हो गया। लेकिन आप कोई ऐसा फंक्शन लो जिसमें आप वाई को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो एक्स के टर्म्स में, या एक्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वाई के टर्म्स में, तो वो फंक्शन कैसे होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इनका हमें डेरिवेटिव करना है, बिकॉज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने, अभी अभी हमने देखा था कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव किया, अगला ऐसे ही हम इम्प्लिसिट फंक्शन है इनके भी डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यदि हमें एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन कोई दे रखा है, आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट, वेयर आपका सी कोई कॉन्स्टेंट है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन अब हमें क्या करना है, देखो हम x को y के टर्म्स में नहीं निकाल नहीं पा रहे और y को x के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब x को यदि आप फाइंड आउट करोगे तो राइट हैंड साइड में x और y दोनों आ रहे हैं, y अकेला नहीं आ रहा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल का फंक्शन ज़रूर मानना पड़ेगा। सो देखो हमने क्या लिखा है इसमें, देन आफ्टर अज्यूमिंग x एंड y
फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमने क्या मान लिया कि भाई यदि हम एक्स को वाई के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या मान लेते हैं, या फिर वाई को एक्स के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो वाई किसका फंक्शन हो गया, एक्स का, ऐसे ही। और एक्स तो खुद एक्स का फंक्शन है ही है, तो हमने मान लिया कि जो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है वो एक्स के फंक्शन है। ओके, तो ये डायग्राम बनेगा, देखो एफ तो है एक्स और वाई का फंक्शन, और एक्स और वाई किसके फंक्शन है, एक्स के। ओके, हमने मान लिया इसमें कि भाई हम जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा बार बार एक्स जरूर आ रहा है, अलग से इसको हम हटा नहीं पा रहे, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्टली एफ किसका फंक्शन हो गया, एक्स का। अब यहाँ से देखो डी एफ अपॉन डी एक्स हम ये निकालना चाह रहे हैं बिकॉज हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, और हमने एक्स और वाई को एक्स का फंक्शन मान लिया। देन यदि हम एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ से फॉर्मूला आप लगा दो, अभी अभी हमने चेन रूल पढ़ा है, एफ का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको करते हैं अपन डी एफ अपॉन डी एक्स, क्लियर है, इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी एक्स वन बन गया, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई ये आ गया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन नंबर टू। इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन बट सिंस हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, सी क्या है आपका एक कॉन्स्टेंट, तो यदि कोई फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है तो आप उस पूरे फंक्शन के यदि आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो इधर एल एच एस में, तो आर एच एस में सी का कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ये जीरो हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे यहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू जीरो इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। कहने का मतलब कोई फंक्शन ऐसा है इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें हम एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, और वो हमसे कह रहा है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो वैसे जनरली अपन निकाल देते हैं, जैसे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है उसमें तो अपन जनरली निकाल देंगे क्योंकि उसमें एक तरफ वाई और एक तरफ एक्स है। लेकिन जब यदि हमारे पास एक तरफ वाई और एक तरफ एक्स क्लियरली नहीं आए तो कैसे निकालेंगे, फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि उसमें आप क्या करना, पहले जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसको हम इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट रख देंगे, जो भी कांस्टेंट उसने दिया होगा तो कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी एक्स और वाई को हम एक तरफ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उस पूरे फंक्शन का हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, और ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसका नया नाम होता है, नया नाम आप सीख लो, पी, स्मॉल पी को हम लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और स्मॉल क्यू को हम लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी अपॉन क्यू। ये फार्मूला है सिंगल डेरिवेटिव का, यानी फर्स्ट हमने अभी पहली बार डेरिवेशन किया है, फर्स्ट टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सिंगल डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है माइनस पी अपॉन क्यू। अगली बार अपन सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे इसका, यानी अपन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालेंगे। तो इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा है, फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन है वो अप्लाई करेंगे हम लोग। तो लेट स्मॉल पी इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अभी अभी मैंने बताया था, और स्मॉल क्यू इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई हो, इसी तरह से डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, सॉरी यहाँ पे डेल एफ ये गलत लिखा है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके यहाँ पे डेल वाई आएगा, तो वो आपका उसको हमने नाम दे दिया नया नाम एस। इसी तरह से एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार यदि हम करें तो उसको हमने नया नाम दे दिया आर। इसी तरह से एफ का वाई के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करें तो उसको नया नाम दे दिया हमने टी। और ये हम किस केस में कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, कि आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और उसका आपको डी टू वाई वाई डी एक्स टू निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये आता है, डेरिवेशन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। देखिए डी टू वाई वाई डी एक्स टू का फॉर्मूला ये आता है माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर आर प्लस पी स्क्वायर टी माइनस टू पी क्यू एस अपॉन क्यू टू द पावर क्यू, ओके क्यू की पावर थ्री। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, माइनस पी अपॉन क्यू, तो इसमें पी और क्यू हमें पता है ये होते हैं, इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। इसी तरह से पी क्यू आर एस टी की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे और इस फार्मूले पुट करके हम इसका डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डी टू वाई वाई डी एक्स टू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए इस पे, इफ़
cos x to the power y minus sin y to the power x equal to 0. देन प्रूव दैट dy upon dx equal to this. अब इस फंक्शन को आप देखिए, हमें दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, सी की जगह आपको क्या दे रखा है, जीरो. और दूसरा, इस फंक्शन को आप देख के भी बता सकते हो कि इसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, करना चाहोगे तो काफ़ी लंबा और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो हम नॉर्मली इसको अलग अलग x और y को नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए आपको यदि dy वाई अपॉन dx निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी अपॉन क्यू. वहाँ पे p क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल x, और q क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल y. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए, सिंस फंक्शन हमें दे रखा है cos x की पावर y माइनस sin y की पावर x इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले हमने इन दोनों को इधर उधर ले गए. ओके, राइट हैंड साइड हमने ये बना ली. इसका मैंने लॉग ले लिया, बिकॉज हमें आगे डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग लेके इजी रहेगा. वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग साइन वाई. अब फिर से मैं इसको इधर ले आया और इक्वल टू फिर से जीरो कर दिया. तो जो फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन था, वो हमारा सेकंड फॉर्मेट में भी आ गया, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया है, वाई लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग साइन वाई इक्वल टू ज़ीरो. यानी कि ये भी आपका एफ एक्स वाई इक्वल टू सी है, सी फिर से आपका जीरो आ गया. अब सिंस दैट इज एफ इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, सो वेयर एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग साइन वाई. ओके, ये अलग से एफ है और सी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो. तो एफ हमने पता कर लिया, ये रहा बिल्कुल, ये फंक्शन है. ये एक सिंस एफ इज इम्प्लिसिट फंक्शन हमने अभी अभी देखा था. इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स. तो इसमें हम पी और क्यू निकाल लेंगे. तो पी कितना होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स. यानी कि इस फंक्शन का इक्वेशन नंबर टू का आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो कर देंगे. देखो, वाई तो कांस्टेंट माना जाएगा, वाई हमने लिख दिया कांस्टेंट, इनटू लॉग कॉस एक्स का कितना होगा, वन अपॉन कॉस एक्स, यानी कि वाई अपॉन कॉस एक्स, इनटू कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन. फिर माइनस एक्स, एक्स का अब देखो ये लॉग साइन वाई है, लॉग साइन वाई पूरा वाई का है फंक्शन, और वाई हम इस केस में कांस्टेंट मान रहे हैं बिकॉज हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं. तो लॉग साइन वाई तो पूरा कांस्टेंट आ गया, इनटू एक्स का कितना हो गया, वन. ओके, तो पी की वैल्यू आ गई माइनस वाई टेन एक्स माइनस लॉग साइन वाई. इसी तरह से क्यू, क्यू कितना आ गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई आप यहाँ से निकाल सकते हो. ये देखो लॉग कॉस एक्स, ये पूरा एक्स का फंक्शन है, सो लॉग कॉस एक्स तो एज इट इज, इनटू वाई का कितना हो गया, वन. माइनस फिर लॉग साइन वाई इंटू एक्स, अब इसमें एक्स तो आपका कांस्टेंट माना जाएगा बिकॉज वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू लॉग साइन वाई का कितना होगा, वन अपॉन साइन वाई इंटू साइन वाई का कॉस वाई. उसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई. तो ये क्यू आ गया और पी आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस पी अपॉन क्यू. तो माइनस पी अपॉन क्यू, ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं इक्वेशन नंबर थ्री और फोर से, वाई टेन एक्स माइनस लॉग साइन वाई अपॉन लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई. एक सेकंड, हाँ ये माइनस इसमें लग जाएगा, सो ये आएगा आपका वाई टेन एक्स, और ये आपका प्लस आएगा, है ना, आई थिंक. ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, माइनस प्लस की, वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई आएगा. ओके, और नीचे लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई. ओके, तो ये आंसर इसका आएगा. सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन. तीन क्लासेज में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. ओके, तीनों वीडियो लेक्चर्स आप लोग अच्छे से देखिए, और हाँ तीनों लेक्चर्स में देखिए आप लोग अच्छे से, और तीनों लेक्चर्स को देख के आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.